मुस्कुराना भी मत भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेंद्र 7 व्लॉग्स। और यार अभी तैयारी चल रही है पूरे जोरों शोरों पे, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि उपासना बोरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो हिमाचल जा चुकी हैं। अब उनका फ्लैट यहाँ से खाली कर दिया गया है, लेकिन कुछ सामान बचा हुआ है, तो अभी हम वो सामान पिक करने जा रहे हैं। एंड अभी हमें जाना है यहाँ से उत्तम नगर। उसके बाद यार बहुत सारे काम हैं, पूरा का पूरा उनका फ्लैट खाली करना है। फिर उसके बाद यार कल शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करने के बाद और क्या क्या काम है। देखो भैया, हमें भी तो पता है वहाँ कितना सामान है, क्योंकि हम भी तो लास्ट टाइम सामान रखवाने गए थे। अरे भैया, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। हम जानते हैं कितना सामान हमने ढोया है भैया, ठीक है। उसका व्लॉग बनाया नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। अभी भी सामान बच गया, और मेरे को बस इस बात का डर है कि हमें दो चक्कर ना काटने पड़े यार। क्योंकि बेटा देखो, बात ऐसी है कि हम भी तो किसी के बच्चे हैं ना यार, ठीक है। तो यार दो चक्कर तो नहीं लग पाएंगे, तो कोशिश करेंगे जितना भी बचा हुआ सामान है वो एक चक्कर में आ जाए। वैसे तो मोस्टली आ ही चुका है, ठीक है, और उम्मीद है कि सारा आज एक चक्कर में आ जाएगा। तो अब हम पहुंच गए हैं द्वारका मोड़, जहाँ पे हमारे होते हैं इवेंट्स, जहाँ पे एक ख्वाब के इवेंट्स होते हैं। और आप लोगों की भी अगर शायरी का थोड़ा बहुत भी शौक आ रहा है भैया, और आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। स्वागत है सभी का, स्वागत है आपका। और यार एक बार का ना मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि द्वारका मोड़ पे मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ कि भाई, मैंने रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी थी, और मैं मतलब हम लोग घूमने जा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन मैं अकेला था, मैं उपासना को पिक करने जा रहा था, और हमको जाना था नितिका परवीन के यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ ये कि भाई रेड लाइट पे मैं खड़ा हूँ, गाड़ी खड़ी है, और हैंड ब्रेक, मतलब मेरी आदत है जब भी मतलब मैं रुकता हूँ मैं हैंड ब्रेक खींच देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे यार अपनी गलती, हमने रेड लाइट जंप कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए, रात का टाइम है, मैंने गलती करी है रेड लाइट जंप करके वैसे। हाँ तो भाई मैंने हैंड ब्रेक मैंने खींच रखे थे। तो यार हुआ ये कि ना अचानक से जो मेरा दिमाग है ना यार, वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। और ये बात है करीबन 2-2.5 महीने पुरानी बात है, मैंने आपको बताई थी। तो मेरा ना यार दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया, मतलब मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और मेरी ना बिल्कुल आंखों के आगे ना बिल्कुल अंधेरा छा गया, और ना ऐसा लगा मतलब ये पूरा जो पीरियड है ना, ये 4-5 सेकंड का था, मतलब ये जो पूरी घटना हुई है ये 4-5 सेकंड के अंदर हुई है। और मेरे को ऐसा लगा कि मतलब जो मेरी गाड़ी है ना वो रिवर्स में पीछे जा रही है, ठीक है, मतलब वो पीछे बैक जा रही है, अपने आप बैक जा रही है। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ना पीछे पूरी गाड़ियों को ठोकते हुए पीछे बहुत तेज स्पीड से जा रही है, तबाही मचा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यार अपना हैंड ब्रेक ना खींचे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं ब्रेक मारे जा रहा हूँ। 4-5 सेकंड के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ ना, मैं बिल्कुल पसीना था, और मैं देख रहा हूँ गाड़ी मेरी बिल्कुल स्टेबल खड़ी है, और हैंड ब्रेक जिसको मैं बार बार ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था वो ऑलरेडी ऊपर है, और गाड़ी क्या नाम है उसमें न्यूट्रल में है। और भाई उसके बाद मैंने फिर, शायद तुम नहीं थे उस टाइम पे, मैंने आशु को फोन करा, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया, तो आशु बोला गाड़ी साइड में लगा, मैं आता हूँ, मैंने कहा नहीं यार अब तो मैं नॉर्मल हूँ। फिर मैंने पानी वानी पिया, पर उस दिन ना यार मेरे दिमाग में ना बहुत गंदे वाला डर बैठ गया था, पर बाबा की कृपा से सब ठीक है। और ये हम आ गए हैं, और भाई बता क्या, लाइटें बिल्कुल नहीं जल रही हैं, बिल्कुल फुल देख रहे हो, सिर्फ अंधेरा अंधेरा, और ये रूम अब सारे खाली करने हैं, फुल डरावने वाला सीन है यहाँ पे। तो मेरी टीम में है, फिर देख रहे हो ये वाला रूम भी भाई साहब, अभी सारा सामान उठाना है अंधेरे में। जंग अभी जारी है यार, सामान अभी बचा हुआ है बहुत, नितिन सामान अभी बहुत बचा हुआ है भाई। मेरे को तो वो लाइन शायद आई, कौन सी वाली,
हाय हाय चुप, एक ही लाइट जल रही है पूरे घर में। चलो ये दो हो गए खाली, अब ये खाली करते हैं। पंखे टाइट हो गए हैं, इतने जूते ना, अभी मैडम घर लेके गई थी, 15 दिन रही है यहाँ पे, 15 दिन में ना 20 से 25 जोड़ी जूते फिर उठे हैं। गाड़ी में अब जगह भी नहीं बची है। अरे भाई अत्याचार करने के लिए। अरे चलो अरे नंबर तो सेम है, कंपनी अलग है ना, ले बाटा ले वुडलैंड ले सरकार। जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है, सारी मूर्तियों को ध्यान से ताकि कुछ भी खराब ना हो, खंडित ना हो कोशिश से, ठीक है। गर्मी इसे कहते हैं संस्कार। भैया ने चप्पल भी उतार रखी है। सारों को तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल, इनको थोड़ा सेफ तरीके से बीच में रखना पड़ेगा मूर्तियों को दोनों। तो फाइनली सारा सामान पैक हो गया है और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, घर बसते बसते 12:15। फिर भाई चलाएगा, भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फिर उसके बाद फिर ऑफिस पे जाके फिर हमें दोबारा से यार काम करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको व्लॉग में पहले ही कि मैम घर जा चुकी हैं और उनका जितना भी बचा हुआ सामान था वो सब हमने पैक कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। बुद्धि कहाँ पर हो बेटा? बाहर निकलो एक बार। वाओ आ जाओ। क्या लिखा है आपने देखा ना? हमें मम्मी को परेशान करना चाहिए नहीं। चाहिए गलत लिखा है बेटा आपने, परेशान भी गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है आपने? कहाँ से देख के लिखा आपने? कहीं से देख के नहीं, खुद लिखा है। आपने गलत लिखा है बेटा। गलत? हाँ इसको ठीक करना है अभी आपको। परेशान नहीं बेटा, परेशान। परेशान हाँ, एक ही मात्रा आएगी। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं, गुड गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। ये बताओ क्या हमें मम्मी को परेशान करना चाहिए? नहीं। पापा को? नहीं। तो मम्मी ने बताया अभी अभी कि रिद्धि ने अपने आप लिखा है, कहीं से कॉपी करके नहीं, बुक से नहीं, अपने आप ये क्वेश्चन बनाए हैं और अपने आप इसका आंसर दे रही हैं। किसी को किसी से पूछा नहीं, किसी बुक में से चीटिंग नहीं की और ना ही बुक को देखा। ये तो आ रहे है भैया। तो दिन रह गए हैं रिद्धि, किस चीज में कम दिन रह गए हैं? शादी। तो बहुत कम दिन रह गए और यार तैयारियां बहुत सारी बची हैं। तो रिद्धि की तो यार शॉपिंग हो गई है, ठीक है। रिद्धि की तो बहुत सारी नई नई ड्रेसेस आई हैं, है ना। रिद्धि का तो आपका वो भी प्रिपेयर हो गया है, आज उसको दे दी ना वो आपके लहंगे में वो केन लगाने को, आपके लहंगे में आज केन लग जाएगी तो आपका लहंगा भी आ जाएगा आज, ठीक है। तो रिद्धि की तैयारी हो गई, बस जो दुल्हा है उसी की शॉपिंग नहीं हुई है और बाकी सबकी शॉपिंग हो गई है। तो यार क्या नाम है, अब बाय बाय कर देते हैं रिद्धि, ठीक है। अब बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। तो आप हमारे चैनल को भैया एक बार प्लीज, क्या है एक बार खेलेंगे। गेम बेटा कल प्लीज, प्लीज
कम अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कि रिद्धि के साथ हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए। जो भी गेम हमें अच्छा लगेगा, जो भी गेम हमें अच्छा लगेगा हम वो गेम खेलेंगे। तो आप सारे लोग ना कमेंट में बताइएगा कि हमें रिद्धि के साथ कौन सा गेम खेलना चाहिए, फिर मैं आशु नितिन हम तीनों मिलकर रिद्धि दीदी के साथ क्या खेलेंगे गेम। आप लोग कमेंट में बताइए, वरना ये देखो अभी बेटा कमेंट में बताएंगे ना, तब सारे कमेंट आप पढ़ते हो ना मम्मी के फोन से, फिर आप बताना कि भैया ये वाला गेम खेलना है। और तब तक यार चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब मत भूलना, मुस्कुराना भी मत भूलना। चलो ठीक है यार।